रामनगरी अयोध्या को प्रदूषण मुक्त कराने की पहल शुरू हो गई है। प्रथम चरण में टाटा मोटर्स ने नगर निगम को 3 इलेक्ट्रॉनिक कार सौंपी। नगर निगम के कार्यालय में टाटा मोटर्स के अधिकारियों ने महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और नगर आयुक्त विशाल सिंह को 3 इलेक्ट्रॉनिक कार की चाबी सौंपी। ये तीनों कार ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण से मुक्त है। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि रामनगरी अयोध्या को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए प्रथम चरण में 3 कारें नगर निगम को मिली है, आगे भी संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रदूषण मुक्त रहेगा, इलेक्ट्रिक वाहन है तो अयोध्या पूरा प्रदूषण से मुक्त रहे, उसका ये प्रथम चरण पहल है कि हम लोग पर्यावरण को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका ये प्रथम चरण है। जिस तरह से गाड़ी हैंडल की गई है तो इस गाड़ी से क्या कार्य किया जाएगा, ये किसको हैंडल किया जाएगी आपके पास? अब ये हम जो हमारे जो अधिकारी हैं, हम लोग हैं जो इस गाड़ी का उपयोग जो करते थे डीजल वाली का, उसकी जगह पर इसका उपयोग करेंगे। आज नगर निगम में महापौर जी के द्वारा ये 3 गाड़ियों की डिलीवरी हम लोग पूरा इंतजाम कर रहे हैं जिसका, और एक हमारी कोशिश है टाटा मोटर्स की तरफ से कि हम एक साफ़ सुथरा वातावरण क्रिएट करें, जो कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो रही है। आने वाले समय में ये 3 गाड़ियों से शुरुआत है, और भी गाड़ियां हम लोग प्रोवाइड करेंगे नगर निगम को और सरकारी एजेंसियों को, जिससे कि शहर का वातावरण स्वच्छ रहे। बिना आवाज़ की गाड़ियाँ हैं तो नॉइज़ पॉल्यूशन भी कम रहेगा, और चार्जिंग से चलती हैं तो आपके बिजली डीजल इन सब का खर्चे भी बचते हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा। बता दें कि रामनगरी अयोध्या में ये पहली 3 कार होंगी जो शहर में ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण से मुक्त होकर चलेगी। अयोध्या में दीपोत्सव की धूम है, ऐसे में शुभ मौके पर नगर निगम ने 3 इलेक्ट्रिक कार को परचेज किया है।